ट्राइबल मंत्रालय के गठन करीन, आयोग अलग से बनाइन, तो ये सब विकास के चिंता सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी और आज नरेंद्र मोदी जी आज भारी चिंता करते हैं। पीएम जनमन योजना जो विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं, कोरवा, बिरहोर, पंडो, बैगा, अबुजमाड़िया, जयमला राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी कथे, बहुत ही पिछड़े हैं और एवं के लिए अलग से पीएम जनमन योजना अटल जी के नेतृत्व में बनी तो पहली चलाइन है और जेकर माध्यम से 47,000 करोड़ ये पीएम जनमन योजना के बजट है। और आज जो भी हमार कोरवा, बिरहोर, बैगा, पांडो, अबुजमाड़िया हैं, वहां के बस्ती में आज सड़क पहुंचा थे, बिजली पहुंचा थे, उमन के घर में पानी पहुंचा थे, वहां राशन पहुंचा थे, उमन के आयुष्मान कार्ड बना थे, उमन के आधार कार्ड बना थे, सारा विकास के काम वहां तक पहुंचा थे। और आज उसी तरह से ये धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के शुरू हुई से एकर भी 80,000 करोड़ के बजट ये योजना में है, 80,000 करोड़ के, और एकर से पूरे देश के 65,000 से ज्यादा गांव आदिवासी बाहुल गांव एकर से लाभान्वित हुई और 5 करोड़ से ज्यादा जनजाति समाज के विकास ये आज के धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान से हुई। तो ऐसा सोचने वाला हमार प्रधानमंत्री जी आज पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से बहुत बहुत हमार प्रधानमंत्री जी ला धन्यवाद दे थी ये योजना के शुरुआत करे बर। और ये योजना से हमार ये प्रदेश के 32 जिला में 138 विकास खंड ओला लाभ मिली और कुल मिला के 6,691 गांव और 47 लाख जनजाति आबादी ये आज जो योजना ये जो अभियान हमारे प्रधानमंत्री जी शुरू करीन है एकर से लाभ मिली। मैं पुनः हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हूँ। आज हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक सौभाग्य के बात भी है, जसपुर के एक लखपति दीदी है मनकुमारी बाई, पिछले बार पीएम जनमन योजना में प्रधानमंत्री जी उमन से टेलीफोनिक बात करे रही, लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप से पूरा परिवार ला बुलाई नहीं, आज हजारीबाग उमन से मुलाकात करे बर बुलाई नहीं। ये मनकुमारी बाई ये बगीचा विकास खंड के कुटमा गांव के निवासी है। मैं ये बात के जिक्र इसलिए करत हूँ कि आज कितना जनजाति समाज के प्रति, जनजाति परिवार के प्रति कितना स्नेह हमार देश के प्रधानमंत्री के कि आज एक परिवार ला मिले बर बुलाई नहीं। तो एकर ले भी छत्तीसगढ़ के तरफ से हमार प्रधानमंत्री जिला बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना और आप मन के आशीर्वाद से हमन अभी 9 महीना हुई से सरकार के और मोदी की गारंटी में जो वादा रही समर सरकार के वो सब काम ला हमन पूरा करत हन, चाहे वो किसान मन के धान खरीदी के मामला हो या किसान मन के धान के कीमत देह के मामला हो, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदत हन, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान के कीमत दे थन, 2 साल के बकाया बोनस भी दे हन, आज 70 लाख से ज्यादा माता बहनी मन ला महतारी बंधन योजना में प्रत्येक महीना 1,000 रुपया देह के काम करत हन, आज तेंदू पत्ता के दाम 4,000 से बढ़ा के 5,500 प्रति मानक बोरा करे हन, रामलला दर्शन योजना ये सब लाज मला बताए बर नहीं आप सब जाना था, ये सब काम ला हमन 9 महीना में पूरा करे हन। पिछले 5 साल में जब यहाँ कांग्रेस के सरकार रही 18 लाख हमार गरीब मन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए रहन और हमारे प्रधानमंत्री जी भी चुनाव कैंपेनिंग के दौरान कह रहन कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो मुख्यमंत्री होगा वो पहला काम प्रधानमंत्री आवास सेंक्शन करने का करेगा। और आप मतलब बताते हुए मोला गौरव होते कि 13 दिसंबर 2023 ला हमन सरकार में शपथ लहन और दूसरे ही दिन कैबिनेट बुला के
14 दिसंबर ला हमन 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे दें, लेकिन वो समय जो भारत सरकार से पैसा आना रिस वो नहीं आ पा रिस, काबर की यहाँ के पहले के सरकार वो केंद्रांश लो वापस कर दे रिस, लेकिन हमन राजान से व्यवस्था करे रहे। अभी मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ला धन्यवाद देना चाहूँ कि 8,46,931 प्रधानमंत्री आवास के पैसा